फिल्म एक नंबर थी, ज़बरदस्त मूवी थी। खास जो मूवी में के अंदर जो ट्विस्ट है इंटरवल के बाद, वो काफ़ी अच्छा रहा है। हाँ, ठीक ठाक सी फिल्म है सर, एक बार देखी जा सकती है। मतलब हल्की फुल्की सी कॉमेडी, हल्की फुल्की स्टोरी, वो सारी चीज़ें हैं। सॉन्ग्स वगैरह फिल्म के कहूँगा कि म्यूज़िक और सॉन्ग्स इनके मामले में फिल्म अच्छी है। बाकी परेश रावल, राजपाल यादव, अली असगर, इनका काम ठीक है, मतलब इनका काम अच्छा है, इनकी वजह से आप फिर भी फिल्म को झेल लोगे। बाकी कार्तिक आर्यन से मतलब ये उम्मीद नहीं थी, जिस तरीके से हमने देखा था पिछले साल भी है, बैक टू बैक जब बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही थी उस टाइम पर उन्होंने भूल भुलैया 2 जैसी जबरदस्त ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। तो उसके बाद देखिए, अब ये पहली फिल्म थी उनकी, तो उम्मीद की जा रही थी कि शानदार होगी। और देखिए, बस भी इतना कुछ था नहीं, पूरा थिएटर खाली पड़ा हुआ था, गिनती के लोग थे 6-7 लोगों की मुश्किल से फिल्म को देखने आए थे, जो वो भी मतलब ऐसा कुछ इन्जॉय नहीं कर रहे थे फिल्म को। कार्तिक आर्यन की बस वो एंट्री हुआ, मतलब कार्तिक आर्यन पर फोकस बहुत ज़्यादा किया गया, मतलब दिखाया हुआ पूरी तरीके से कि हाँ उन्हें वो हीरो के, लेकिन वो जम नहीं पा रहे हैं, वो एक्शन वगैरह भी मतलब वो बात नहीं आ रही। और मैंने तो देखी वो जो अल्लू अर्जुन की फिल्म जिसका ये रीमेक है, वो अलावा किंटू पूरा मल्लू देखी हुई है, तो हो सकता है शायद मुझे इस वजह से फिल्म पसंद नहीं आई हो। लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी वो फिल्म देखी है अलावा किंटू पूरा मल्लू, उन्हें पसंद नहीं आने वाली है, क्योंकि पूरी तरीके से देखिए भाई स्टोरी बस थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, बाकी लोकेशन वगैरह अच्छी कर दी गई, स्टोरी वही देखने को मिल रही है। वहाँ पर भी अल्लू अर्जुन देखिए पूजा हेगड़े के वो पैर देखते रहते हैं, यहाँ पर भी वो उसकी टांगों के पीछे पड़े हुए हैं, तो वही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। वही सारे कैरेक्टर्स हैं, एक दो कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी ठीक ठाक सी फिल्म एक बार देखी जा सकती है। सफ्ते 5 में से कितना स्टार? 5 में से फिल्म को 2.5 स्टार दूँ।